टीवी के नंबर वन शो अनुपमा को लेकर इस वक्त जबरदस्त हड़कंप मच गया है। अचानक से इस सुपरहिट शो के एक बड़े कलाकार ने छोड़ दिया है ये शो। हैरानी की बात तो ये है कि खुद एक्टर ने ही गुस्से में इस शो को छोड़ने का फैसला किया। जाहिर सी बात है कि टीवी का वो शो जिसने पिछले कई महीनों से टीआरपी में अच्छे अच्छे शो को हिला कर रख दिया है, ऐसे शो से किसी एक्टर के जाने की खबर वो भी गुस्से में हड़कंप मचा रही है। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि शो में अनुपमा के प्यारे बेटे समर का किरदार निभा रहे एक्टर पारस कर्नावत हैं। जी हाँ, शो के प्रोड्यूसर राजन शाही की ओर से ये बात सामने आई है कि पारस कर्नावत ने प्रोडक्शन को बिना बताए ही डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 10 को साइन किया है और इस वजह से राजन शाही ने रातों रात ही अनुपमा से पारस कर्नावत का पत्ता साफ कर डाला। लेकिन पारस की माने तो उन्होंने शो को इसलिए छोड़ा क्योंकि उनके किरदार में करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, वो अपने किरदार से खुश ही नहीं थे। जी हाँ, बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में पारस ने अपने किरदार की खामियां गिनवाते हुए बताया, बीते एक साल से मेरे किरदार में करने के लिए कुछ नहीं था। शो में नए नए किरदार आ रहे हैं, अब शो में एक और परिवार दिखाया जा रहा है जहां पर समर की कोई जरूरत नहीं है। मुझे काफी समय पहले ही समझ आ गया था कि अब मेरा किरदार जल्द ही खत्म होने वाला है। वही झलक दिखला जा शो में पार्टिसिपेट करने वाली बात पर समर ने कहा, मैं झलक दिखला जा 10 को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ। वैसे सच बात तो ये है कि मैंने अब तक भी मैं झलक दिखला जा 10 का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। उससे पहले ही ये खबर मीडिया तक पहुँच गई। मेकर्स को लग रहा है कि मैंने उनसे कोई बात छिपाई है, जबकि ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद मैं मेकर्स को जरूर बताता, मैं उनका पॉइंट भी समझता हूँ। मुझे शायद पहले ही मेकर्स से बात कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद मुझे झलक दिखला जा 10 के बारे में सोचना चाहिए था। पारस कर्नावत ने दावा किया कि मैं किसी एक किरदार में फंसकर नहीं रहना चाहता था, मैं अपने करियर की ग्रोथ देख रहा हूँ, मेकर्स मेरे ट्रैक को सुधारना ही नहीं चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ पारस कर्नावत की छुट्टी करने की तुरंत बाद ही मेकर्स ने समर शाह के रोल के लिए लोगों को अप्रोच करना भी शुरू कर दिया है। जी हाँ, टेलीचक्कर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने रातों रात पारस का रिप्लेसमेंट भी ढूंढ निकाला है। खबरें हैं कि टीवी एक्टर सुवांश धर को अनुपमा के मेकर्स अप्रोच कर चुके हैं। शो से जुड़े सूत्र की ओर से ये भी बताया गया है कि इस बात के ज्यादा चांसेस है कि सुवांश धर ही समर शाह के रोल में नजर आएंगे। बता दें कि सुवांश धर इससे पहले सीरियल अपनापन में अहम रोल निभाते हुए नजर आ चुके हैं। हालांकि अब देखना तो ये है कि सुवांश धर ही अगर समर के किरदार में नजर आएंगे तो वो इस रोल को क्या जस्टिफाई कर पाएंगे और क्या पारस की एग्जिट से शो की टीआरपी पर कोई गहरा असर तो नहीं पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।